नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि जो हीटर होता है उसके अंदर जो केबल लगाई जाती है वो कितने mm की लगाई जाती है, कितने mm का वायर हमारे हीटरों के लिए अच्छा होगा, उन सभी के बारे में तो चर्चा करेंगे। हीटर की मजबूती, हीटर की प्राइस और उन सभी के बारे में, छोटे छोटे उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंपनी की कंसील लाइट हमारे घरों के लिए उपयोग रहेगी, बेहतर होगी, तो उसके प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, आप हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इसी के आधार पर अपने घरों के लिए कंसील लाइट, रंग बिरंगी कंसील लाइट, डाउन लाइट भी आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर भी नई नई आई हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम आपके सामने नए वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम मैं लेते हुए मैं वीडियो को करता हूँ शुरू। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक हीटर आपको दिख रहा होगा, इसकी मजबूती के बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 190 mm की साइज़ की दोस्तों ये पेल प्लेट लगी हुई है, जिसमें 3000 वाट की हीटर स्प्रिंग लगी हुई है। दोस्तों, चारों तरफ का जो कवर ये है, ये फर्मा है, ये लगा हुआ है, उसमें तीन क्लिप लगी हुई है। दोस्तों, अगर पीछे से हम इसको दिखाएं तो आपको देखा होगा एक पत्ती लगी हुई है लोहे की, जिसकी वजह से हीटर की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें दोस्तों कनेक्शन भी किया हुआ है, जहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, देखो आपको दिख रहा होगा दोस्तों। दोस्तों, हीटर मजबूत है। इसकी अगर प्राइस की बात करें दोस्तों, आपको मार्केट में 100 रुपये से 150 रुपये की समथिंग आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अब इसके कनेक्शन प्लेट की अगर बात करें दोस्तों, आपको दिख रहा होगा चीनी मिट्टी से बना हुआ दोस्तों ये कनेक्शन प्लेट है, जिसमें स्प्रिंग के वायर लगी हुई है इसमें, और हमें जो बाहर का वायर दोस्तों चलाने के लिए जो वायर लगता है, उसके बाहर का वायर दोस्तों इन दो पेचों के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों, कितने mm का केबल इसमें लगेगा वो हम आपको बता दें दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें मिनिमम 6 mm का वायर या इसके ऊपर दो 6 mm, 8 mm या 12 mm का वायर इसमें आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हीटर परमानेंट अगर घर के लिए यूज में ले रहे हैं तो दोस्तों आप इसमें कॉपर का वायर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कॉपर का वायर यूज करने के लिए आपको या तो 1.5 mm का वायर हैवल्स, विमल, पिनोलेक्स, मिलन पावर, आप दोस्तों इन कंपनियों का भी इसमें यूज कर सकते हैं, जिससे कि वायर ज़्यादा दिन तक चल भी सकता है और जल्दी से खराब भी नहीं होगा। दोस्तों, इसका अगर केबल की प्राइस की अगर दोस्तों बात करें तो केबल दोस्तों आपको मार्केट में 10 रुपये मीटर से लेकर 16 रुपये मीटर तक आपको अच्छे गेज के आधार पर दोस्तों मिल जाएगी। दोस्तों, हम केबल सबसे पहले हम आपको केबल भी दिखाना चाहते हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, आपको अलग अलग mm साइज की केबल यहाँ पर दिखी रख रही होगी। दोस्तों, ये 10 mm, 10 mm की दोस्तों केबल है विथ प्लस की। दोस्तों, आपको मार्केट में 15 से 16 रुपये मीटर के समथिंग दोस्तों मिल जाएगी। इसी के आधार पर दोस्तों, अगर 6 mm की केबल की अगर बात करें तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 6 mm की केबल है दोस्तों, ये 10 रुपये मीटर आपको मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर कंपनियों की बात करें दोस्तों, डीप कंपनी ये सुपर लाइट कंपनी है दोस्तों, एक टेलीमैक्स है और दोस्तों वी3 प्लस मैंने अभी आपको बताया था, तो आप किसी भी कंपनी का जो वायर है इसमें यूज कर सकते हो। दोस्तों, जो हीटर में जो कनेक्शन होता है उसको दो वायर, एक वायर दोस्तों इसमें लगाया जाता है, एक वायर इसमें लगाया जाता है। और दोस्तों, आगे अगर आप जितना वायर, जैसे 5 मीटर आपने वायर ले लिया, तो दोस्तों जो शुरुआत का जोड़ होता है जहाँ से लाइट दोस्तों हमको हीटर के लिए लेनी हो, तो उसमें दोस्तों 16 एम्पीयर का 3-पिन टॉप भी लगाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर 3-पिन टॉप आकर लपर लगाओगे तो दोस्तों वायर जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक भी चल पाएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।